नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारे देश के सेलिब्रिटी, जाने माने लोग, चाहे वो बॉलीवुड से हों या फिर क्रिकेट की दुनिया से, एक नंबर के पाखंडी हैं। उनका व्यवहार दोहरा होता है, दोगलापन लिए होता है। जब उन्हें बोलना चाहिए तब वो खामोश रहते हैं, और जब बिना बोले भी काम चल सकता है तब वहाँ वो टूट पड़ते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों पर जब सरकार की वाहवाही करनी हो, प्रधानमंत्री की जय जयकार करनी हो, उनकी तारीफ करनी हो, तो वो चापलूसी की तमाम हदें लांग जाते हैं। अब ये लक्षद्वीप वाला मसला जो है, इसे ले लीजिए। अगर लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी गए, उनकी तस्वीरें आपने देखी होगी, एक छुट्टी न मनाने की बात वो अक्सर करते हैं, लेकिन बड़े रिलैक्स मोड में एक फ़ोटो सेशन उन्होंने वहाँ पर किया। अब उस फोटो पर मालदीव की दो तीन मंत्रियों ने एक गलत तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की, जो नहीं करनी चाहिए। और ये मालदीव जैसे छोटे देश के लिए भी, अगर आर्थिक नज़रिए से देखें तो भी ये समझदारी वाला फैसला नहीं था। लेकिन जैसे हिंदुस्तान में एक धार्मिक उन्माद बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर से एक ख़ास पार्टी का, एक ख़ास विचारधारा का और कुछ ख़ास सरकारों का, वैसे ही मालदीव में भी एक ख़ास विचारधारा और एक ख़ास तरह की सोच का विकास हुआ है, और वो एक भारत विरोधी रवैया अख्तियार कर रहा है, जिसमें उसने पहले कहा था कि भारत अपनी सेना वापस ले ले, और वो चीन की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है। और वह वैसे ही एक इस्लामिक कट्टरपंथ उनके मंत्रियों में भी था, और उन्होंने उसी तरह की टिप्पणी की। तो इससे एक नए तरह का राष्ट्रवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक अपने देश प्रेम का इजहार किया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि वो बड़े देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं। अब इसमें अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार, वरुण धवन, सलमान खान, श्रद्धा कपूर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वेंकटेश प्रसाद, वीरेंद्र सहवाग, ये सब शामिल हो गए हैं इस अभियान में। और उनका, आप अगर ठीक से देखें तो इस मामले को अगर एनालाइज करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि चूंकि मालदीव की मंत्रियों ने जो ट्वीट किए थे या जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, चूंकि उसमें प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया था, इसलिए ये पूरा जो एक खेमा है वो टूट पड़ा है। और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि लक्षद्वीप बहुत सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं, लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार के द्वीप हो, हमारे बहुत सुंदर है, और वहाँ पर्यटकों को जाना चाहिए। मगर यही फिल्म स्टार, यही क्रिकेट स्टार घूमने के लिए मालदीव जाते हैं, लक्षद्वीप नहीं जाते। अचानक उनकी आंखें खुल गई हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्या गए, अब उन्हें वहाँ स्वर्ग नज़र आ रहा है, और वो उसकी तारीफ में पुल बांध रहे हैं। और इसका मकसद एक, मोदी जी को खुश करना है, मोदी जी की पार्टी को खुश करना है, मोदी जी की सरकार को खुश करना है, मोदी जी की विचारधारा को खुश करना है, उनकी राजनीति को मजबूत करना है, और दूसरे मालदीव के नाम पर एक तरह का राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है। तो अपनी चीज़ों का, अपने स्थानों का की वाहवाही करना अच्छी बात है। हम अगर अपने अच्छे पर्यटक स्थलों की तारीफ नहीं करेंगे तो कोई दूसरा क्यों करेगा। लेकिन ये एक मौका, इसकी टाइमिंग देखना चाहिए कि ये हमारे सेलिब्रिटी, स्वनाम धन्य, चर्चित और सुपर स्टार्स जिस तरह से बिहेव करते हैं, ये कभी टिप्पणी नहीं करेंगे। जब किसान आंदोलन में 700 किसान मर गए, तब ये सारे खामोश थे या इसके खिलाफ बोल रहे थे? जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान आंदोलन कर रही थी, तो इनको राष्ट्रभक्ति की याद नहीं आ रही थी, देश प्रेम की याद नहीं आ रही थी? ऐसे तमाम नाजुक मौक़ों पर जब बुलडोज़र चलते हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, जब पत्रकारों को दबाया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, उनके पेगासस उनके मोबाइल फ़ोनों में डाले जाते हैं, लैपटॉप जब्त किए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और तो और जब बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्मों के खिलाफ पार्टी विशेष के द्वारा आंदोलन चलाए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं उनको बदनाम करने, उनकी फिल्मों पर अटैक करने के लिए, तब भी ये चुप रहते हैं। लेकिन अब चूंकि मोदी जी की वाहवाही करनी है, चाटुकारिता करनी है, चापलूसी करनी, तो ये चापलूस ब्रिगेड है जो अब जुट गया है
मोदी जी की छवि बनाने के लिए, राष्ट्रभक्ति की बात करने के लिए, और इनका मकसद और कुछ नहीं। इनकी एक तो समझदारी पर ही शक करना चाहिए कि ये लोग कितने समझदार हैं। ये रीढ़ विहीन लोग हैं जो जब बोलना चाहिए तब बोलने से घबराते हैं, जब बिना बोले भी काम चल सकता है तब सदल बल हाजिर हो जाते हैं मोदी जी के साथ खड़े होने के लिए, मोदी जी की तारीफ़ करने के लिए, मोदी जी को डिफेंड करने के लिए। ये एक दोहरापन है, दोहरा रवैया है, डबल स्टैंडर्ड है, और ये हमें इस पर गौर करना चाहिए कि इनका जो पूरा चरित्र है सेलिब्रिटी का वो ऐसा क्यों है। वो क्या सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचता है? उसे इस देश की जनता से, अवाम से कोई लगाव है क्या? जनता के दुख दर्दों पर कभी ये उसमें शामिल होते हैं क्या? कभी कहीं भूकंप आता है, कहीं बाढ़ आती है, तो क्या ये उनके बारे में कुछ करते हुए दिखते हैं क्या? लेकिन प्रधानमंत्री जी पर हमला अगर हो जाए तो इनके इनको बर्दाश्त नहीं होता, ये बेचैन हो जाते हैं और बिल्कुल एक उनके जो विश्वस्त सिपह सलार होते हैं या उनकी सेना है उनके बॉडीगार्ड की तरह, वो वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं और एक अभियान छेड़ देते हैं। तो ये सेलिब्रिटी जो कर रहे हैं या आगे भी करेंगे या जो पहले भी करते रहे हैं, इनके चरित्र पर गौर करना चाहिए। ये कतई विश्वसनीय नहीं है, ये बहुत ही स्वार्थी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ जाते हैं या उससे अलग हो जाते हैं। और अमिताभ बच्चन का तो पूरा इतिहास ही यही रहा है, कभी वो राजीव गांधी के साथ जुड़े सांसद बने और उसके बाद फिर उसी परिवार के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा और अब एक ऐसी राजनीति के साथ जुड़े हैं जिसे जो कतई लगातार देश को बांटने में लगी है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी है, जो तमाम संवैधानिक संस्थानों को ध्वस्त करने में लगी है। इन सेलिब्रिटियों को पहचान लीजिए, इनकी शिनाख्त कीजिए, इन पर कतई भरोसा मत कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।